तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल असम की ब्लॉगर वर्षा में, और मैं वर्षा। तो सभी को एक बड़ा सो गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी बज रहा है सुबह के 8:30 यानी 8:30 और हो नहीं रहा है। आज तारीख है 12 जुलाई, यानी कल 13 जुलाई। आप जिस दिन ये ब्लॉग देखेंगे उस दिन होगा 13 जुलाई, तो उस दिन होगा देविका का बर्थडे। तो मैं अभी बता दे रही हूँ आप सभी को शुरू में ही कि प्लीज़ कमेंट में नीचे कमेंट में देविका के लिए कमेंट कीजिए। और लेकिन बर्थडे पक्का है कि नहीं होने वाला है, क्यों नहीं होने वाला है, कारण मैं आप लोग को थोड़ी देर बाद बताऊँगी। ठीक, आप लोग को बोले थे कि देविका का बर्थडे का पहले एक ब्लॉग बनाएंगे, तो वही ब्लॉग आज शूट हो रहा है। आज करने के लिए तो था बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ कैंसिल हो चुका है। अब नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। स्कूल जाना था कंचन के साथ, वो भी कैंसिल हो गया, और दुकान जाना था, तो मेरा इतना भी हिम्मत तो हो नहीं रहा है कि मैं मार्केट तक जाऊं। तो अभी चलिए नाश्ता करते हैं और आगे वीडियो में आप लोग बने रहिए। और क्या, अरे ये और जो शब्द है ना, अभी मेरे वीडियो में कॉमन हो चुका है ये और शब्द। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अपने नाश्ता लेके, और मैंने नाश्ता में लिया है, क्या लिया है रुकिए आप सभी को दिखाती हूँ। देख के मैं यहाँ पे है चाय, और ये चूड़ा, और वो अचार नीमकी का, बस इतना ही। तो मेरे साथ आ गई है देवी, बर्थडे था आप लोग को पता ही है, तो अब बर्थडे के दिन तो ब्लॉग देख ही रहे हैं, तो इसको हैप्पी बर्थडे विश कर ही सकते हैं। मैंने आप लोग को सुबह ही बोल दिया कि इसको हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिए। इसका 32 ही देखिए, इसका बर्थडे होने वाला था वो नहीं होगा कुछ कारणवश। तब से मैं थोड़ी देर कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद पक्का बता दूँगी। नहा लेंगे तो थोड़ा साफ सुथरा हो जाएंगे, तो थोड़ा चेहरा में आ जाएगा, तब बताएंगे अच्छा से आप लोग को। बिना ग्लोग नहीं बताते? नहीं, क्यों? मेरा मर्जी। तुम्हारा मर्जी? मेरा ब्लॉग, मेरा मर्जी। हाँ ठीक है, तुम्हारा ब्लॉग जब बोलना है बोलो, है हाँ, तो ठीक है। तुमको कैसा लग रहा है? क्या कैसा लग रहा है? कुछ नहीं, कैसा लग रहा है छोड़ो। नहीं, छोड़ो नहीं, पकड़ो ये बात, पकड़ो। बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों नहीं अच्छा लग रहा? कल मेरा बर्थडे, हाय कितने एक्साइटेड हूँ मैं, क्या बताऊँ। भले बर्थडे ना हो, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड। यस, ऐसे भी मेरे लिए डबल हैप्पीनेस है ना कल का दिन। नमा अभी नहीं बताना है, थोड़ी देर बाद बताना है। तो क्या बताएं आप सभी को, बोले कि नहा धोवा के फ्रेश होके चेहरा पर ग्लो ला के आप लोग से बात करेंगे मैं और देविका, लेकिन अचानक से इतना गर्मी बढ़ा ना कि अपना रिकॉर्ड टूटे। सुबह रात को पानी आया था, सुबह भी पानी दे रहा था, तो आज इतना धूप नहीं निकलेगा, लेकिन अभी धूप जो निकला ना 12-1 बजे से रिकॉर्ड, तब मैंने तो पूरा गर्मी हालत ख़राब हो चुका है अभी। तब जो बोले थे हम ग्लो लाएंगे, जो इतना लाइटिंग जो आ रहा है ना, रुकिए आप लोगों को दिखा रहे हैं इतना लाइटिंग मेरा चेहरा पे कैसे आ रहा है। ये रहा खिड़की, और खिड़की के बाहर का धूप जो है ना, ये धूप और ये दीवार पे जो वाइट कलर मार दिया है लोग, उसकी वजह से मेरे चेहरा इतना चेहरा पर लाइट आ रहा था, देख रहे हैं आप। पर बाहर पूरा धूप निकला हुआ है, तो बाहर तो भी आप लोग देखें इतना धूप है ना, इतना गर्मी भी है। मुझे तो सोए थोड़ा, लेकिन नींद ही नहीं आया, और देविका जो आराम से सोई हुई है अंदर, नहीं पता उसको कैसे जी इतना गर्मी में नींद लग गया है, नो आइडिया। लेकिन इतना थोड़ा राहत है ना कि हवा जो है बढ़ रहा है, और उससे बात भी करना है कि देविका का बर्थडे क्यों नहीं होगा, क्यों आखिर क्यों नहीं होगा। तो देविका थोड़ी देर में उठेगी,
और उसके बाद हम लोग दोनों मिल के बताएंगे आप लोग को कि देविका का बर्थडे क्यों नहीं होगा, क्या कारण है। तो थोड़ा देर इंतज़ार कीजिए, एक सेकेंड लगेगा, बस एक सेकेंड के बाद। देखिए ये आप सभी देख रहे हैं, ये है कंचन, और कंचन यहाँ कुछ बना रही है, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। वो किसके लिए पता है? देविका के लिए। और देविका है बगल वाले रूम में, तो उसे पता ना चले इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। आप लोग आवाज़ को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। और ये क्या बना रही है यहाँ पे? यहाँ पे बना रही है बर्थडे कार्ड। ये तो अभी मार्केट जाना है, इसका बंद है, तो इसलिए ये बना रही है बर्थडे कार्ड। और मार्केट जाती भी है तो देविका का साथ, लेकिन ये देविका का साथ जाएगी तो कहाँ से ये कार्ड खरीदेगी? अब मेरा तो जाना भी बंद है, तो ये बना रही है इसलिए ही घर पे ही अपने हाथों से, इसमें प्यार ज़्यादा होगा। तो उन्होंने आज झगड़ा तो जम के किया है, और वो झगड़ा मालूम है टेढ़े मेढ़े के लिए दोनों ने झगड़ा करके बैठा है। दोनों भी एक दूसरे से बात नहीं कर रही है, लेकिन ये लड़की उसके लिए बना रही है कार्ड। तो आप लोग बताइएगा, कार्ड बन जाएगा तो आप लोग को दिखाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। अभी हम लोग दोनों तक बनाते हैं, इसको भी गर्मी लग रहा है, मैंने फ़ैन बंद करवा दिया है, अभी फ़ैन भी ऑन कर। तो आप सभी का स्वागत है, सिर्फ दो मिनट के बाद, दो या डेढ़ मिनट जब एडिटिंग करूँगी, वो बीच वाला क्लिप बोली थी एक सेकेंड बाद आप लोग से मिल रही हूँ, लेकिन बीच में एक क्लिप घुस गया ना कंचन वाला, तो वो एक मिनट का डेढ़ मिनट का था नहीं पता, जब एडिट करने बैठूँगी तभी पता चलेगा। आप लोग को बता दे रही हूँ और उसके लिए सॉरी, लेकिन वो भी दिखाना थोड़ा ज़रूरी था, थोड़ा अच्छा लगता इसलिए वो भी आप लोग को दिखा दिए। और ये यहाँ पे उसको बोले चलो थोड़ा सा ब्लॉगवा बना लेने दो, ये आज अपना कर रही है फ़ोटो शूट, और एकदम वो भी तैयार वार होके ये लुक मेरा पहला बार आ रहा है तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे। ये देखिए इसका एकदम ट्रेडिशनल लुक, एकदम ट्रेडिशनल लुक इसे बोला जाता है। मेकअप नहीं किए, सिर्फ लिपस्टिक पोत लिए, लिपस्टिक लगा लिए, पोती नहीं, लिपस्टिक लगाने मेरे लिए काफ़ी है वो, और मुझे मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो तुम्हारा बर्थडे क्यों कैंसिल हुआ? बर्थडे, अच्छा मैं बताती हूँ, इसी से सुनिए इसका बर्थडे क्यों कैंसिल हुआ। मेरा बर्थडे इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि हमारे घर में माता जी आई हैं, तो माता जी आई हैं तो बढ़ाया गया है, तो बढ़ाया गया तो मेरा बर्थडे नहीं होगा, बट मैं बहुत 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 खुश हूँ क्योंकि माता जी मेरे बर्थडे के टाइम में घर आई हैं। और ये इस बार नहीं हुआ है, ये बहुत बार होता है कि मेरे बर्थडे के टाइम में माता जी घर पे आती है, तो मैं अपने आप को बहुत लक्की समझती हूँ कि मेरे बर्थडे के टाइम में माता जी घर में आती है, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। और क्या चाहिए? तो इसको इसका चमक, इसका चेहरा का चमक देखिए, लेकिन पसीना से ना चमक चला गया है, और अभी थोड़ा धूप कम हुआ है, उतना भी कम नहीं हुआ है जितना हम लोग सोच रहे थे। यहाँ का वेदर का कुछ भरोसा नहीं रहता, रात को बारिश सुबह में धूप, हल्का सा होगा 12 बजे के बाद पूरा हो जाएगा, जो आज ऐसा हुआ, रात में बारिश हुई थी, सुबह में हल्का हल्का धूप था और 12 बजे के बाद फुल धूप, इतना खतरनाक धूप हुआ ना कि मैं तो उठ ही नहीं पाई 3 बजे। ये तो 3 बजे सोई थी कि पागल ही है क्या, ये कैसे सोई थी यही जाने हमको, तो इतना गर्मी लग रहा था कि हम आराम से इधर से उधर घूर रहे थे और थोड़ा सा वीडियो बनाए थे, लेकिन ये आराम से घोड़ा बेच के सो रही है। अब नींद लग गया तो क्या, वही तो दिन में हम सो जाते हैं, या मच्छर भी है, आता नहीं है, तो मम्मी बोलती है रात भर लड़की जगती रहती है, चकती रहती है। तो हम लोग आ गए हैं पीछे घर के इसके फोटो शूट के लिए, अभी जो ना धूप है देखिए उसका, देखिए उसका चेहरा कैसे धूप से चमक रहा है, और मैं इसलिए यहाँ पे थोड़ा घुस गई हूँ। आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, हम लोगों के घर में क्या है, मांगिएगा मत, पहले बता दे रही हूँ, वो सिर्फ एक ही है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये है माटी का ठहर जो उसके अगल बगल में जंगल हो चुका है, ये देखिए सामने से, तो और एक साइड से भी निकल रहा है, ये कंचन का खेती बाड़ी है, ये कंचन ने लगाया था कम से कम
दो या तीन साल पहले अब जाके हुआ है। तो यहाँ पे चल रहा है अभी फोटो शूट, कितना फोटो खिंचा गया ना नहीं पता अभी तक, कम से कम 50 तो पक्का हो ही गया होगा। अजीब आवाज़ भी आ रहा है कि हाँ 50 नहीं हुआ है, नहीं पता कितना हुआ है, 20 तो पक्का हुआ होगा, 20 पक्का हुआ होगा 20। अरे ये देखिए, रुके इन लोगों को दिखाती हूँ। हाँ ये देखिए यहाँ पे दोनों को, एक कैमरामैन और एक मॉडल, ये है मॉडल, ये है मॉडल और ये है कैमरामैन। हाय, अब मैं हूँ ब्लॉगर। वो हमको छोड़ना बोलती, छोड़ना तो देखो को छोड़ना। ये देखिए दोनों का 32 ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसका तो कुछ ज़्यादा ही, ये फोटोग्राफर का कहने इसको गर्मी भी लग रहा है कि नहीं, ये चूल तो लेकिन फोटो खींचने का इसको पसीना कुछ नहीं है, ये फोटो फोटो देखिए उसका चिल्लाना, देखिए ऐसे भी चिल्लाती है ये। आप लोग इसको शरीफ मत समझिएगा, एक नंबर का उत्पात है। देखिए फोटो अच्छा आ रहा है दोनों का। छोड़ना कंचन, छोड़ना और देविका छोड़ना। कैसी लग रही है पूछ रही है, नहीं पता कैसे लग रही है, सुंदर नहीं लग रही है। हाँ देखिए इसका मुख। और यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग अपने ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। ये पानी पी रही है और ये भी कहीं जाएगी। मैं जाऊंगी घूमने। इसे जानते हैं कहाँ जाएगी बताओ। मैं जा रही हूँ जहाँ माता जी मतलब घर ही पे आएंगे, लेकिन उनका घर भैया का घर है ना, तो इसलिए भी हम भी ब्लॉग को एंड कर रहे हैं और ब्लॉग एडिट करेंगे तभी ना सुबह डालेंगे, नहीं तो मेरा एडिट करने में बहुत ही टाइम लगता है। तो ब्लॉग एडिट कर रहे हैं, तो आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा तो क्या करना है, लाइक, उससे ज़्यादा पसंद आया होगा तो कमेंट, उससे ज़्यादा पसंद आया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करके रख ले। हाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए। और यहाँ पे हम लोग को काट रहा है मच्छर, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं पीछे, और पीछे हम लोग का बहुत ही मच्छर है। और तो भागी उधर, तब तक के लिए खत्म, टाटा बाय बाय।